हेलो फ्रेंड्स, आई एम तनिषा गंगराड़े एंड यू आर वॉचिंग टीजी एग्री। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएम के बारे में, दैट इज़ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन, इट मींस कि आईपीएम होता क्या है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री कि कौन सा टर्म किसने दिया है, कब दिया है, किसके लिए इसको कौन सा प्राइज मिला है। ओके, और उसके बाद हम बात करते हैं नीड्स की कि देखिए आईपीएम के बारे में आज इतनी ज़्यादा बातें हो रही है, सभी कंट्रीज इसको कोशिश कर रहे हैं कि अप्लाई करें, इस तो क्यों कर रहा है, क्यों इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है और क्यों इसकी ज़रूरत क्या है, है ना, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। साथ में हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती है, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर हमको एक सक्सेसफुल पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम करना है तो इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए। देखिए, हम जानते हैं आईपीएम ईटीएल और ईआईएल, दैट इज़ इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल और इकोनॉमिक इंजरी लेवल, इन दोनों लेवल्स के बिना आईपीएम इनकम्प्लीट होता है ना। तो आज हम इन दोनों को भी बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। उसके बाद हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स एंड स्ट्रेटजीज की, और हम डिस्कस करने वाले हैं टूल्स और कंपोनेंट्स ऑफ आईपीएम। देखिए, इस वीडियो में हम टूल्स और कंपोनेंट्स का एकदम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट, मतलब पार्ट टू में हम इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, इसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी, है ना। उसके बाद हम बात करेंगे एडवांटेजेस क्या है, क्या डिसएडवांटेजेस है, और आज हम क्या आईपीएम में चैलेंजेस फील कर पा रहे हैं जिसकी वजह से हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं कभी कभार। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक्स को आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आपकी कोई भी एग्ज़ाम हो, FCI, NABARD, ARS NET, इन सभी एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते ही है ना। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आईपीएम, देखिए आईपीएम होता क्या है, उससे पहले हम कुछ डिस्कस करते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि हम क्या करते हैं, अभी पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम डायरेक्टली उसमें केमिकल पेस्टिसाइड्स अप्लाई कर देते हैं। हम ही नहीं, अभी नहीं, हम जब ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद से अगर हमको पेस्ट कंट्रोल करना होता है तो हम क्या करते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स डालते हैं। अब केमिकल पेस्टिसाइड्स डालते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, पेस्ट में डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड डालना पड़ रहा है और इफ़ेक्ट हमको कुछ ज़्यादा एज सच दिख नहीं रहा है। तो हम क्या करते हैं, पेस्ट की पॉपुलेशन को सिर्फ केमिकल पेस्टिसाइड से नहीं कंट्रोल करते हुए, जब हम सभी मेथड्स जैसे कल्चरल, बायोलॉजिकल, बिहेवियरल, मैकेनिकल, माइक्रोबायल, केमिकल, है ना, होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस, इन सभी मेथड्स का यूज़ करके जब हम पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल या पेस्ट की पॉपुलेशन को मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं तो उसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। देखिए, आईपीएम का ये मतलब नहीं होता है कि हम इसमें पूरी तरीके से केमिकल यूज़ करेंगे ही नहीं, इसका मतलब ये होता है कि हम सभी मेथड्स को अप्लाई करेंगे और एट लास्ट अगर फिर भी हमारे पेस्ट जो है कंट्रोल नहीं होते तब हम उसमें आखिरी में केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद आईपीएम की डेफिनेशन लकमैन एंड मेटकाफ ने कुछ इस तरीके दी थी, उन्होंने कहा था इट इज़ एन इकोनॉमिकल, इकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, और ये पूछा गया था ARS नेट में क्वेश्चन कि बताइए ये टर्म्स का यूज़ करके कौन से साइंटिस्ट ने ये डेफिनेशन दी थी, तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ओके, अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की, कि क्या स्टार्टिंग से हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं या फिर किसने कौन सी टर्म दी है। तो देखिए, सबसे पहले माइकल बेकर एंड बेकॉन ने 1952 में इंटीग्रेटेड कंट्रोल टर्म दी थी। देखिए, हम बात कर रहे हैं पेस्ट मैनेजमेंट की, पर अभी सबसे पहले टर्म कौन सी दी थी, इंटीग्रेटेड कंट्रोल, मतलब तब हम पेस्ट मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे थे। अब देखिए, दो टर्म आप दिख रहे हैं, एक मैनेजमेंट और कंट्रोल, दो ये जो टर्म्स होती है ना, ये दो अलग अलग टर्म्स होती है। मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हम एक सही अप्रोच के थ्रू जब हम पेस्ट की पॉपुलेशन को रिड्यूस या मिनिमम करते हैं तो उसे हम कहते हैं पेस्ट का मैनेजमेंट, है ना। और कंट्रोल का मतलब होता है जब हम पेस्ट को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं कंट्रोल, है ना।
तो देखिए, सबसे पहले इंटीग्रेटेड कंट्रोल टर्म दी थी वो किसने दी थी, माइकल वेकर एंड बेकॉन ने 1952 में। उसके बाद स्टर्न एटल ने एक डिफाइन किया था कि इंटीग्रेटेड कंट्रोल का मतलब होता है जब हम बायोलॉजिकल एंड केमिकल कंट्रोल दोनों एक साथ अप्लाई करते हैं। उसके बाद गियर ने 1966 में टर्म दी थी पेस्ट मैनेजमेंट। देखिए, अभी इंटीग्रेटेड कंट्रोल टर्म आई, अब आई थी पेस्ट मैनेजमेंट, इसके बाद आई थी टर्म हमारी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, अभी तक इंटीग्रेटेड नहीं आया। 1972 में काउंसिल ऑन एनवायरमेंटल क्वालिटी ने ये टर्म दी थी, कौन सी, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद स्मिथ एंड एडिक्सन ने इसमें सबसे ज़्यादा काम किया था, इसलिए उन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज भी मिला था। तो ये सारे क्वेश्चंस देखिए, ये मैंने आपको बताया है कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। ओके, तो ये अभी हमने बात करी हिस्ट्री ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की, अब हम बात करते हैं नीड फॉर पेस्ट मैनेजमेंट की। आजकल हमको पेस्ट मैनेजमेंट की या IPM की इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों है, क्यों हम डायरेक्टली एक ही मेथड से पेस्ट को कंट्रोल नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि केमिकल पेस्टिसाइड्स हम जितना ज़्यादा डालते हैं क्या होता है, पेस्ट में रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। अब जब रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स अप्लाई करना पड़ता है, फिर भी कोई भी इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिलते हैं ना। वैसे ही सेकेंडरी पेस्ट का आउटब्रेक होने लगा है। देखिए, कभी जब भी हम क्या करते हैं, केमिकल कंट्रोल करते हैं, तो जो हमारे प्राइमरी पेस्ट को हम क्या बनाते हैं, अपना बनाते हैं कि उसी को हम कंट्रोल करते हैं, तो भाई प्राइमरी पेस्ट तो कंट्रोल हो गए, उसके बाद क्या होता है, उसमें सेकेंडरी पेस्ट आउटब्रेक होने लग जाते हैं, है ना। क्योंकि केमिकल कंट्रोल किसी पर्टिकुलर के लिए होता है कि हाँ इसके लिए ये, इस ग्रुप के लिए ये, वो पूरे पेस्ट को एक साथ तो कभी कंट्रोल नहीं करता। उसके बाद रिसर्जेंस होने लगा है टारगेट पेस्ट का, एप्लीकेशन इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली हमको ज़्यादा डालने पड़ते हैं आजकल, तो प्रॉफिट क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि हम इन सब चीज़ों में ही अपना इतना पैसा लगाने लगे हैं आजकल। उसके बाद इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन, तो हम जानते ही है कि जितना हम ये केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करेंगे, इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन उतना ज़्यादा होगा। नॉन टारगेट एनिमल्स किल होंगे तो हम जानते ही हमारी सॉइल की फर्टिलिटी और दूसरी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। और लास्ट में ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ हैजार्ड पे बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट देखने को मिला है। हम जानते हैं कि जो DDT और BHC है उसका एनिमल और ह्यूमन हेल्थ पे इतने ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिले, इसकी वजह से उन दोनों को तो बैन ही कर दिया गया था। ठीक है, तो ये हमने देखे नीड फॉर पेस्ट मैनेजमेंट, आप इस स्लाइड में से देख लीजिएगा, यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हैं, है ना। अब हम बात करते हैं स्टेजेस क्या होती है क्रॉप प्रोटेक्शन की। अब देखिए, स्टेजेस क्या होती है, है ना। तो सबसे पहले होता है सब्सिस्टेंस फेज, हम इसमें किसी भी तरह का कोई इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते, इसमें सिर्फ और सिर्फ नेचुरल कंट्रोल करते हैं। उसके बाद आती है एक्सप्लॉयटेशन फेज। अब जैसे कि हम जानते हैं कि पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले हम ऐसा कुछ नहीं करते थे, पर जैसे ही ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, हमको पेस्टिसाइड्स के बारे में मालूम चला, तो हम क्या करने लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स अप्लाई करने लग गए हाई यील्डिंग वैराइटीज़ में, ताकि हमको अच्छा रिटर्न मिले। ठीक है, फिर क्राइसिस फेस आया कि यार अब तो काम हो ही नहीं रहा, तो हम ओवर यूज़ करने लग गए कि नहीं चल रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहे, तो ज़्यादा से ज़्यादा एकदम ओवर यूज़ करने लगे पेस्टिसाइड्स का, है ना। उसके बाद आ गया डिज़ास्टर, डिज़ास्टर का कि आप कितना भी पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर लो, आपकी जो कोई आपको प्रॉफिट नहीं होगा, है ना, सॉइल में जो पूरी फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो चुकी है। और फिर ये सब फेजेस के बाद आता है हमारा इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट फेज, कि भाई अब तो सब कुछ हम धीरे धीरे ख़त्म कर दे रहे हैं, अगर और थोड़ा हमने यूज़ करा तो हमको बहुत ही ज़्यादा लॉस होगा। तो इसकी वजह से हम इस फेज़ में क्या करते हैं, सभी मेथड्स को, और इको फ्रेंडली जब हम पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं तो उसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट फेज़। ओके, तो ये तो बात की हमने स्टेजेस की, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट की, कि इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्योंकि हम जब भी कुछ भी काम करते हैं तो हमारे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो हम बात करेंगे कि IPM के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। तो हम सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि कोई भी पेस्ट हमारे इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक नहीं पहुँचना चाहिए, उसके पहले ही पेस्ट को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, हमको पेस्ट को सिर्फ किल करके ही उसको कंट्रोल नहीं करना, उसका फीडिंग, उसका मल्टीप्लिकेशन, उसका
का डिस्पर्सल हमको वो सब भी पूरी तरीके से रोकना है, वरना क्या होगा, अगर डिस्पर्सल चालू रहा तो इधर एक तरफ तो कंट्रोल हो जाएगा और दूसरी तरफ जहाँ वो डिस्पर्स कर रहे हैं वहाँ बढ़ जाएगा, तो उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। उसके बाद हमको इको फ्रेंडली मेथड्स यूज़ करना है, हमको हमारी सॉइल की फर्टिलिटी, हमारा इन्वायरमेंटल कंडीशंस को भी ध्यान रखना है ना। उसके बाद ये सभी मेथड्स तभी यूज़ करना है जब उसकी ज़रूरत होगी। ऐसा नहीं है कि आप केमिकल फर्टिलाइज़र्स और ऐसी मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं जहाँ उसकी ज़रूरत ही नहीं है, है ना। उसके बाद हमको सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन कंपोनेंट्स यूज़ करना होते हैं। तो ये बात करी हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट की, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमको एक पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाना है तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमको लगेगी। अच्छा आप सोचिए कि अगर हमको कोई पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाना है तो क्या लगेगा। तो सबसे पहले हमको उस पेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, मतलब हम उसको अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर पाए, उसकी लाइफ हिस्ट्री कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है, ये सब हमें अच्छे से पता होना चाहिए। नेचुरल एनिमीज़ के बारे में पता होना चाहिए, वेदर फैक्टर्स के बारे में कि वो जो पेस्ट है वो कब रिप्रोड्यूस करता है, कब मल्टीप्लाई करेगा, कौन से टाइम में फीडिंग करेगा, या उसका नेचुरल एनिमीज़ कब होते हैं, है ना। तो उनके नेचुरल एनिमीज़ के बारे में भी हमको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। हमको पेस्ट फोरकास्टिंग क्या होना है, हमें पेस्ट फोरकास्टिंग के बारे में मालूम होना चाहिए और हमें पेस्ट फोरकास्टिंग कर लेना चाहिए। देखिए पेस्ट फोरकास्टिंग क्या होता है, जैसे कि हम वेदर फोरकास्ट करते हैं वैसे ही हम पेस्ट फोरकास्ट करते हैं, क्योंकि अगर हमको उसकी हिस्ट्री और बिहेवियरल पैटर्न से ये तो समझ में आ जाता है कि उनका रिप्रोडक्शन कब होने वाला है, वो फीडिंग क्या करते हैं, तो पेस्ट फोरकास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए, है ना। उसके बाद हमें उसका नीड, कौन सी मेथड से कौन सा पेस्ट कंट्रोल होता है, कब टाइम होता है ना, ये सब हमको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि हम हर मेथड से हर पेस्ट को कंट्रोल कर सके, तो हमें सूटेबल मेथड्स पता होना चाहिए। कंट्रोल मेजर करने का हमें सही टाइम भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि हम हर मेथड को कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, उसकी क्या ज़रूरत है और वो कब करना है। उसके बाद कॉस्ट बेनिफिट रेशियो पता होना चाहिए, फार्मर्स को अवेयर करना है और जो कंज्यूमर है उनमें भी इतना अवेयरनेस होना चाहिए कि यार हमें भी पेस्टिसाइड फ्री प्रोडक्ट का यूज़ करना है, क्योंकि ऑब्वियसली हम जितने भी क्रॉप्स जो भी करते हैं वो क्यों, वो कंज्यूमर्स के लिए करते हैं। और अगर कंज्यूमर्स ही इतने अवेयर रहे कि नहीं हमें तो पेस्टिसाइड फ्री प्रोडक्ट यूज़ करना है, हम पेस्टिसाइड वाले प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं करेंगे, तो वहीं पर क्या होगी, वो फार्मर्स भी पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उनका तो सामान ही नहीं बिकेगा ना। तो इसलिए कंज्यूमर को भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होना चाहिए इसके बारे में। तो ये बात हमने बात करी रिक्वायरमेंट्स की, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंजरी लेवल की। देखिए इंजरी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि IPM इंजरी लेवल दैट इज़ ETL और EIL के बिना इनकम्प्लीट होता है। ये दो टाइप के हैं मेनली, है ना, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल और इकोनॉमिक इंजरी लेवल। अब इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पेस्ट की वो डेंसिटी होती है जहाँ आपको कंट्रोल मेजर्स अप्लाई कर देना चाहिए। अगर अभी भी आप कंट्रोल मेजर्स अप्लाई नहीं करते हैं तो जो पेस्ट की पॉपुलेशन है वो कहाँ पे पहुँच जाती है, इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक पहुँच जाती है। इसको बोलते भी क्या है, एक्शन थ्रेशोल्ड लेवल, मतलब अभी तो आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा, अगर अभी आपने एक्शन नहीं लिया तो फिर आपको बाद में लॉस देखने को मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है हमारी इकोनॉमिक इंजरी लेवल। देखिए इकोनॉमिक इंजरी लेवल पेस्ट पॉपुलेशन की लोवेस्ट डेंसिटी होती है जो इकोनॉमिक डैमेज शुरू कर देती है, है ना, इसको डैमेज थ्रेशोल्ड लेवल भी कहते हैं, समझे आप। देखिए ध्यान से देखिएगा, थ्रेशोल्ड मतलब जहाँ पे आपको कंट्रोल मेजर अप्लाई करना है, अभी आपको लॉस हुआ नहीं है पर अगर अभी नहीं किया तो लॉस हो सकता है। और EIL इकोनॉमिक इंजरी, इंजरी का मतलब कि ऐसी पॉपुलेशन, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो आपको इकोनॉमिक डैमेज उस वो आपका हो रहा है ना, जिसको हम डैमेज थ्रेशोल्ड लेवल भी कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स एंड स्ट्रेटेजीज ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमारी जो स्ट्रेटेजी होती है कि जो भी हमारे इंसेक्ट पेस्ट या नेचुरल एनिमीज होते हैं उसको हमको मॉनिटर करना होगा। अब कैसे करोगे, तो जो हमारा पेस्ट सर्विलेंस होता है या पेस्ट फोरकास्टिंग, ऐसे कुछ टूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम इंसेक्ट को मॉनिटर कर सकते हैं।
उसके बाद हमको इंजुरी लेवल के जो कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ, ETL और EIL लेवल के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए ताकि हम पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम को सक्सेसफुल बना चुके, है ना। उसके बाद आता है इंटीग्रेशन ऑफ पेस्ट कंट्रोल टैक्टिक्स। अब ये दो होती है, एक होती है प्रिवेंटिव मेथड्स और दूसरी होती है क्यूरेटिव मेथड्स। अब देखिए, प्रिवेंटिव मेथड्स ऐसी मेथड्स होती है जिसको आपको एज अ रूटीन डेली फॉलो करना है। अब उसमें है ना, होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस, कल्चरल कंट्रोल, लीगल कंट्रोल, नेचुरल एनिमीज, ये सारी मेथड्स आती है, ठीक है। और क्यूरेटिव मेथड ऐसी मेथड्स होती है कि भाई अब तो वो आ गए, वो ETL लेवल पे आ गए, तब आपको जब आप उसको फॉलो करते हो तो उसे हम कहते हैं क्यूरेटिव मेथड। अब इसमें क्या आता है, फिजिकल एंड मैकेनिकल मेथड, है ना, इनंडेटिव मेथड रिलीजिंग बायोकंट्रोल एजेंट और केमिकल इंसेक्टिसाइड। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे प्रोसीजर्स और स्टेप्स ऑफ IPM, कि IPM की क्या क्या स्टेप्स है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं प्रिवेंशन होता है कि कोई भी पेस्ट हमारे फील्ड तक आना ही नहीं चाहिए। उसके बाद हमको उसको पूरे टाइम मॉनिटर करना पड़ता है। उसके बाद हमको ये डिसीजन लेना चाहिए कि हाँ ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है तो हमको नॉन केमिकल मेथड्स को अब प्रेफर करना पड़ेगा। फिर भी नहीं हुए तो हमको स्पेसिफिक मेजर्स को यूज़ करना पड़ता है जिसके कम से कम साइड इफ़ेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आती है नेसेसरी लेवल, हमको रेजिस्टेंस को अवॉइड करना है कि अगर रेजिस्टेंस आ गया पेस्ट में तो हमको ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। और लास्ट में हमको डॉक्यूमेंटेशन और असेसमेंट करना पड़ता है। तो ये सभी मेथड्स कौन सी होती है, ये IPM की 1x1 स्टेप्स होती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं टूल्स और कंपोनेंट्स की। तो देखिए इसमें हम क्या क्या आती है, इसमें कल्चरल मेथड्स आता है, मैकेनिकल मेथड आता है, फिजिकल मेथड, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। देखिए इन सभी टूल्स और इन सभी कंपोनेंट्स को हम पार्ट टू में बहुत अच्छे से और डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, ठीक है। इसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि कल्चरल मेथड का मतलब क्या होता है, कि जो भी मेथड्स होती है, है ना, या जिस भी प्रोसेस से हम फार्मिंग करते हैं तो उसको चेंज कर देना थोड़ा, जैसे क्रॉप रोटेशन, सैनिटेशन, प्लोइंग, डीप प्लोइंग, है ना, बस इनको चेंज कर देना तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे पेस्ट को मैनेज कर पाते हैं। मैकेनिकली जब हम पेस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो वो होती है मैकेनिकल मेथड। कुछ फिजिकल बैरियर्स होते हैं जिसके थ्रू हम पेस्ट को कंट्रोल करते हैं, कुछ बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स होती है, ठीक है। तो हम ये सब नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखते हैं, ओके। उसके बाद और भी कुछ मेथड्स है, जैसे होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस मेथड, बिहेवियरल मेथड, अब इसमें भी दो है, फेरोमोन्स, एलिलोकेमिकल्स, जेनेटिक मेथड, रेगुलेटरी और लीगल कंट्रोल मेथड, और लास्ट में आती है हमारी केमिकल कंट्रोल। तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि इसको बहुत अच्छे से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। अब हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं कि एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है लोअर कॉस्ट इंटरवेंशन, हमको ज़्यादा इसमें पैसा नहीं लगता है, ठीक है। हम इकोसिस्टम को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं, हमारी बायोडाइवर्सिटी भी इससे प्रोटेक्ट रहेगी, किसी को कोई ज़्यादा हैजार्ड नहीं होंगे, है ना, क्योंकि अगर हम केमिकल यूज़ करते हैं तो एनिमल और ह्यूमन हेल्थ हैजार्ड तो बहुत ज़्यादा होते हैं। रेजिस्टेंस भी पेस्ट में क्या होगा, नहीं ग्रो करेगा, क्योंकि इसमें हम कुछ डाल ही नहीं रहे ना, हम तो उनको दूसरी दूसरी मेथड से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस की कोई बात होती ही नहीं है। और सभी के लिए क्या रहता है, बेस्ट मेथड्स होती है। उसके बाद हम बात करते हैं क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। देखिए ये इसमें ना कुछ टेक्निकल मेथड्स होती है, तो इसके बारे में सबका नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये टाइम और एनर्जी कंज्यूमिंग होता है, इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत है। अब जैसे कोई ट्रैप है तो आपको फिजिकल ट्रैप चाहिए, आपको लाइट ट्रैप चाहिए, तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल होना भी ज़रूरी है, है ना। उसके बाद पहली बात तो इसको समझने में ही बहुत टाइम लग जाता है कि हाँ यहाँ पे फेरोमोन्स यूज़ करना है, तो फेरोमोन्स में कौन सा फेरोमोन्स आएगा, कौन सा इंसेक्ट है, तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसलिए ये थोड़ा कम यूज़ होता है, पर काफ़ी अच्छी मेथड्स होती है। इसके बाद हम बात करेंगे चैलेंजेस इन IPM। तो सबसे पहला आता है फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स आते हैं, है ना। अब इसमें एक्सपर्टीज चाहिए होते हैं, अगर एक्सपर्टीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है तो फिर हम इसको पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं बना सकते। हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है वो भी इतनी ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होती है कि हम इन मेथड्स को
अप्लाई करें, ठीक है। और आज भी जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर फार्मर्स अपने ट्रेडिशनल मेथड्स को ही यूज़ करते हैं। वो कुछ न्यू मेथड्स अडॉप्ट करने में थोड़ा सा लगता है कि नहीं हम तो इसी से कर लेंगे, फिर इसकी ज़रूरत क्या है। ओके, तो ये आज हमने डिस्कस करा आईपीएम के बारे में, जिसमें हमने देखा उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों हम करते हैं, और इन सभी टॉपिक्स को आज हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करा। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप हमें YouTube पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमें Instagram और Facebook पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। आप WhatsApp ग्रुप और Telegram चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप कहीं भी किसी भी चैनल के थ्रू आप हमसे आपकी क्वेरीज, क्वेश्चंस और डाउट पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा आप लोगों के लिए, और आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, पर उससे पहले स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।